एवरीवन, गुड मॉर्निंग अंकित। गुड मॉर्निंग। सो आज तो बारिश होने वाली है, वैसे बादल आए हैं। आप 8 बजे उठ गए हो सुबह? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का ढार। 7:30। 7:30, माय गॉड। और अब 8:30 हो गए। नो, 7:50। 7:30 बजे घटो, तेरे को 2 बार हाथ मारा है। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं 7:50 उठ गई थी। तू लेट उठी, मैं तो 7:30। हाँ तो, सो कहाँ जा रहे हो आज आप? आज हम जाएंगे गांव होली की पूजा करने। ओके। तो जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। बट आपका जल्दी जल्दी दिख तो नहीं रहा। मुझे 5 मिनट लगेंगे नहाने जाना है। सो चलो गाइस, आज हम सब जा रहे हैं गांव होली की पूजा करने, एंड आज हम सब जा रहे हैं। सो फटाफट आपको लेके चले, लेट्स गो। कहाँ चले मम्मी? होली माता पूजने। ऐसे कैसे? फर्स्ट तो आपका भी साथ चलने का, आप बढ़िया ब्रेड टोस्ट। हम तो ब्रेड टोस्ट खाएंगे। क्या क्या करना होता है मम्मी उसमें? पूजा करनी होती है होली माता की। अच्छा, चौक पे जो होती है। अच्छा चलो, मैं तो अपना ये खा रहा हूँ, चौक पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलो वेरी गुड, थैंक यू। मैं तो रेडी हूँ भाई। कैसे रेडी? अरे पता लग गया ना, कुर्ता पहना हुआ। आज आज मैं पीऊंगा चाय, और चाय के साथ लेंगे टोस्ट। गाइस, हमारे यहाँ ये प्रॉपर रिचुअल होता है ऐसे होली पूजने का। सब बताओ किस किस के यहाँ पे ऐसे रिचुअल होता है। मम्मी, मोस्टली सबके ही होता है ना वैसे ही रिचुअल? सुबह करता, कोई दोपहर में करता, कोई रात को करता। सो अब हम थोड़ी सी पूजा कर ले, फिर आप सबको मिलते हैं। एक मैंने रील देखी वो वाली की, आज गांव के पुश्तैनी घर पे आए जिसमें पूरे परिवार की लड़ाई होती है। खंडर सा देख के उसके आगे तू मैं और प्रीति खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, रेडी? कितने साल बाद जा रहे हो गांव? देखो जी, तो अपनी शादी की धोख मारने में नहीं गई थी? छह साल। हाँ, 6th ईयर है ये। दीदी बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू गाइस। स्लिम लग रहे हो। गाइस मैं सच में पतली हुई। हाँ बिल्कुल, ऐश्वर्या बहुत सुंदर लग रही है। सो हमारी डीवा दीदी रेडी है। हाँ जी चले। कितने साल बाद? ये कितने साल बाद गाँव? रेखा दीदी तो कह रही है जब माँ के टाइम पे गई हुई है, उसके बाद नहीं गई। ओए दीदी, 6 साल बाद गाँव जा रहे हो। ओ वाह, इतना सुंदर वीर। ओ वाह, चले फिर, चलो लेट्स गो। ना ये निशान पड़ गए। मैंने इस पहले मैंने अंकित आजकल मैंने देखा दिल की बात बोलता सीधा। क्या कर रही है अंकित? कितनी देर में बोलेगा तू? जिस पे दिल इधर आओ, मैं चलाता हूँ। अभी रोड क्लियर होने थोड़ा सा, मस्त वो वाला था फ्लाईओवर वाला, प्रीति पंजाबी बाग फ्लाईओवर वाला। कहता जसप्रीत जी फ्लाईओवर खुल गया, ऊपर चलो। जसप्रीत कहता हाँ मुझे पता है खुल गया, बट अब साइड से चलो। मगर क्यों साइड से जा रहे हो, यहाँ से जल्दी चलेंगे। अब मेरी सुनो, मैं कह रहा हूँ अब यहाँ से चलो। अरे मेरे को पता नहीं खुला है कि नहीं खुला, मैं कहा नीचे से जाएंगे। उसके सुने ही नहीं, आराम से बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सी दुनिया में इतना लंबा घुमा लगा रखा था ना। तीन चार लगा रखा है। कितने दिन बाद जा रही है गांव? माँ के टाइम पे गई थी। 6 साल दोनों सेम टाइम पे गई हुई। यू गाइस डोंट मिस योर चाइल्डहुड? नहीं मतलब शादी से पहले तो जाते ही थे पापा लेके। नहीं सब भांग मिलती है। अरे यार अंकित जी, अगली बार ना आपसे कागज पे लिखवा के करना पड़ेगा। कहाँ है फिर भांग के पकौड़े? जी आपकी शक्तियों गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देख इसकी शक्तियाँ, शक्तिमान और भांग के पकोड़े। मेरे को क्या पता था भांग का सरकारी ठेका होता है, इन्होंने बताया मेरे को। अंकित जी सरकारी ठेके पे मिलती है भाई साहब भांग। कौन से वाले? जिसमें जीवे चले जाए। जल्दी में तो नहीं हो पाएंगे, सुबह सुबह पकोड़े बनाएगा कौन? पत्ती तो बेसन में ही होंगे। पकौड़े का मतलब तो बेसन की ही होता है, कुछ और ही उनका हिसाब। अंकित तो ये आगे रेड दिखा रहा है ब्रो सारा। हाँ दिखा तो रहा है। तो फिर यही पे पापा ने कहा था नीचे से ही, चलते रहो नीचे से भी निकल जाएंगे। ये बॉर्डर वाला पुल है ना। तो गाइस अब हम आ चुके हैं गांव, एंड सो गाइस पीछे मुड़ो तीनों। हाँ जी कैसा लग रहा है गाँव आके? बहुत अच्छा। रेखा दी नहीं गिरूंगी जीजू, प्रैक्टिस है। 6 इंच की तेरी ब्लॉकिंग है।
तभी तो ब्लॉक पहनी है ना। वीरे स्वेट देख लो, इन लड़कियों को सर पे दुपट्टे के साथ कितनी सुंदर लगती हैं ये। नहीं मेरे को तो गांव में दिखाना, अब घूंघट आएगा। हाँ ये लड़की भी, ये तो चलो अपने ससुराल में आई है। ससुराल आई है, चलो चले चले। तुम पकड़ना है, यहाँ से पूरा गांव दिखता है, वहाँ कहीं जाके अंकित का गांव है। अभी हम सब आपको वहाँ लेके चलते हैं, लेट्स गो। अंकित जी जो क्या हुआ आपके साथ? देखता हूँ ही होगी। गाइस हुआ ये कि जीजू की चप्पल कोई पहन के चला गया, जो सेम थी बट न्यू थी। अब जीजू के पास पुरानी बची है किसी की। जीजू कैसा लग रहा है आपको मंदिर में आके? छोटी चप्पल है, साइज तो कम से कम इसका छोड़ जाता। क्या बात है जीजू, ऐसे मतलब दिल जीत लिया आपने। चलो दिखाई आपको लव मैरिज की और अभी अरेंज मैरिज की, देख लो खुद अपने बच्चे को पहना रही है चप्पल। तू घर की बहू है, आवाज नीचे और घूंघट, समझ आई? अंकित हाथ नहीं पकड़ना। ओए घूंघट नीचे। तो गाइस हम अब गांव में एंटर कर रहे हैं। अभी कहाँ थे? अभी तो हम गांव के बाहर थे ना जी। इस बंदर का पुश्तैनी मंदिर है, नौ गजा जिसे कहते हैं, कुछ लोग शायद जानते होंगे। हम बचपन में आते रहे, याद है यहाँ पे वो था एक रूम टाइप बना हुआ था। हाँ हाँ पंडित जी के, और हम यहाँ पे क्या करते थे, डेग डेग कहते थे उसको। ये घेर हमारा ही है ना, हाँ ये वाला घेर। यहाँ पे सारे एनिमल्स होते थे, हाँ भैंस होती थी, सब होते थे यहाँ पे, हम खेलने आते थे। और यहाँ पे ना वो गेहूं भी होते थे सारे, माँ हमें देती थी। उस टाइम पे तो बाटर सिस्टम चलता था, गेहूं के बदले टॉफी मिलती, चॉकलेट, हम इतने सारे गेहूं ले जाते थे। इधर सारा प्रसाद बनता था, इधर इस पे चढ़ के हम बांटते थे। हाँ यहाँ पे हम डेक करते थे। गाँव आज भी वैसा ही है। हाँ प्रीति प्रीति की हाइट नहीं पहुंची, पहुंच गई क्या? पापा घंटी नहीं बजाई आपने? क्या बिना बताया आगे? तुम्हारे फोन क्या उड़ रहे हैं क्या? नहीं बस हो गया वीर आजो। ये थकावट तो दादी लेट जो दादी लेट दादी लंबी हो जो दादी वीडियो बनाने लग रहे दादी कह रही तुझे काम में भी आ रही है तुम्हें दबाया ऊपर ऊपर साल भर मैं बेकार हूं दादी लेट जा हमारी बहू कमीरी से एक तो रह गया नहीं ना ना दो दबे मैंने देखा ही नहीं ना दादा दादा ये बस क्यों मेरा मत चलो ए तो कहीं मिलेंगी हमारे साथ तो घूंघट वेयर इज घूंघट ये टूर हो गया है अब हम नेक्स्ट। मम्मी नेक्स्ट कौन सा मंदिर है? शीतला माता मंदिर। शीतला मम्मी नाम क्या है नेक्स्ट वाले मंदिर का? ओके शीतला माता। ओके चलो बट स्टिल मम्मी मतलब ऐसा सही है गाँव जैसा था बचपन में, कुछ चेंज नहीं हुआ ज्यादा। तो क्या चेंज करा रही है, हाईवे लगा लेगी? हाँ मतलब मुझे लगा बिल्डिंग्स बन गई होंगी। हाँ यहाँ पे एमआरएफ ने वो जमीन खरीद के हाँ, टावर बना दी है। बात करती हूँ सिग्नेचर पेज बना असल में वो भूमिया माता
कम वेयर इज योर बहू बहू इस गांव की दो बहुएं तुम्हारे सर पे वो का है घूंघट हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो अब ये डिफरेंट डिफरेंट चाचाओं के घर होके आ रहे हैं ये डिसाइड हो रहा है पहले कौन कजन अब हमारे ना दो चाचा हैं एक कजन चाचा है एक मेन चाचा है बट दोनों मेन जैसे ही हैं अब डिसाइड हो रहा है कि कौन से पे पहले जाए खून का रिश्ता पक जाएंगे मीठे हो जाएंगे बाद में कि मीठे के पेट में होएंगे खा तो भी रहे अब तो खट्टे मीठे फाइंड योर पर्पस एंड मेक श्योर यू डोंट वेस्ट योर टाइम वैल्यूएबल कोट है हां पर ऑफ सीजन चल रहा है क्या क्या पर्पस है क्या कोई पर्पस ही नहीं डॉग है कोई नहीं सॉरी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता गांव में आप जाइए कोई बात दीदी दीदी अपना ना मोटा रोकड़ा दबोच रही है यहाँ पे गांव में आके क्या कर रहे हो दीदी क्या टॉफी खाओगे पड़ी दुल्हन चाय सर्व करते ऐश्वर्या बड़े आपके छोटे जी जाए नहीं पीते स्कूल लग रहा है सही बात है बड़ी बहू बड़ी दीदी लाओ थैंक यू प्रूफ दिखा दिखा चाचा जी क्या दिखा रहे क्या बना रहे थे किसके लिए बन रही है ये हमारे दामाद के लिए काफी खुला खुला माहौल है हमारा इतना किशमिश का हम जितते होते चाचा रहते हैं एक ढक्कन चाय में डाल लेंगे चाचा दिन रहते हैं मैं तो देख अंदर देखता हूँ किसी का मुंह मत ना देख हाँ जी मम्मी कैसा लग रहा है अपनी जवानी के दिनों में आने में काटते थे आराम करते थे क्या अंदर करते थे आराम और यहाँ देख इस टेबल पर ये तो सत्यानाश मार रखे हैं इतना बढ़िया जाते थे इसमें कपड़े धोया करते तो आप यहाँ से कपड़े धो के घर लेके जाते थे बड़ा तसला रखा है और यहाँ सुखा देते थे इतना परिश्रम और द्वार काटते थे इतना और काम करते थे इतना सूख जाते थे तुम्हें बहुत स्ट्रगल किया आपने मार मार के तो उबाल के लेती थी मतलब इतनी दूर आप सर पे ढोड़ो के लाते थे मतलब गर्म पानी में उबाल के लेती थी और यहाँ पे वो मार मार के मार मार थापी मार मार के धोते थे यहाँ करते थे आप कहते बाबू यहीं सोते थे तो दोबारा बना देते तो बहुत बढ़िया था बेटा छत पे भी सो जाते थे यहाँ सोते थे बहुत साफ सुथरा रखते थे ये ओदी की आ रहा है अच्छा यहाँ बना रखी होगी सो गाइस यहाँ पे जितनी दूर दूर तक नजर जाएगी ना ये मम्मी पापा की मेहनत के खेत हैं इन्होंने यहाँ एक्चुअली काम किया हुआ है प्रॉपर इन खेतों में यहाँ जहाँ देखोगे आपको दूर दूर तक खेत ही खेत नजर आएंगे कौन सी मूवी है वो जिसमें वो आता है गांव में वो बंबई से आया मेरा दोस्त अरे वो शहजादा शहजादा ये देख लो गाइस खेत में बैठ के ये लड़का मैगी खा रहा है अच्छा ले आ चलो ये पूरे फिल्मी मोड में हाँ तुमने इसके ओनर से पूछा इसे बैठ सकते हो ओनर हमारे किले में खड़े हम ओनर दीदी एक बुमरैंग ले दो छपरी ब्लॉगर
क्रिंजी खुद नहीं करता जलस जलस ये जसवीर जी ने पहले खुद कर लिया ना क्या ये ना आओ आज अरे नहीं ओ दीदी आ गए हम अपना रिचुअल पूरा करने सुखदेव आए मम्मी के सर का दुपट्टा उतर चुका है हाँ मम्मी मम्मी अपने ससुराल से बाहर निकल चुकी हैं हम कुछ खाने आए हैं बहुत भूख लग रही है तो शक्लें भी हमारी पूरी क्या क्या कर रहे हैं भाई, चलो गाइस चलो क्या चक्कर है भूख लगी है आओ फिर तेरे को कब नहीं लगती अंकित कैसे से हो तो गाइस अंकित अब गेम खेल रहा है लेट्स सी ओह वाइट फार चलो अब जीजू आपकी टर्न है जीजू थोड़ा सा उधर होके मैं भी देख रिकॉर्ड हो गया मेरा ओ वेरी एक्यूरेट बीस कहाँ से हो गए ओ चलो सत्रह हो गए अपन ऐसे ही गए हैं बस स्कूटर पे लटक के गाइस वीर सर रुक के मजे ले रहा है खाते हुए गए हम बचपन में पर स्कूटर पे वीर फन ले रहा है सनरूफ का अंकित जी इधर देखो वरना की सीट कटवा दो अंकित जी रूफ चाहिए भाई वीर को सनरूफ चाहिए वीर इधर देखो मामी को मजा आ रहा है ऊपर से गाइस हम घर पहुंच चुके हैं इस लड़की को देखो हाँ भाई आप तो कहे थे जिम चलेंगे मैं तो जा रहा हूँ मैं तो रेडी हूँ भैया देखो मेरी मोटिवेशन पूरी है इस लड़की की मोटिवेशन खत्म है गाइस मेरी मोटिवेशन पूरी है बट आई जस्ट नीड लिटिल टाइम मैं चलूंगी 9:30 बजे ठीक है 9:30 बजे 9:30 कैसे जाएगी 7:30 तो 8 बजे तो वो जाएंगे तो नहीं तो बात मैं लेकर चलूं तो 9 पे कैसे पहुंच गई 7:30 क्योंकि मैं आपको सोने में थोड़ी सी लेट नहीं नहीं 7:30 वहीं मिली हो 7:30 अभी तो सोने में ही आंख खुलेगी मैं उस टाइम जाऊंगी देख लियो अपने आप बाय गुड नाइट आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं अब मिलेंगे कल होली पार्टी में आज हमारा पूजन वूजन सब हो गया होली का आज हमने घर वालों के साथ मना ली कल हम पार्टी करेंगे टाटा।